दोस्तों, आप जंगल के खतरनाक जानवरों के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन जंगलों से भी खतरनाक जानवर तो रेगिस्तान पर मौजूद हैं, जो एनिमल किंगडम में सबसे खतरनाक साबित होते हैं। यह जीव न सिर्फ अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं, बल्कि बेहतरीन शिकार करने की तकनीक के लिए भी मशहूर है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं रेगिस्तान के 5 सबसे खतरनाक जीवों के बारे में। तो नंबर 1 पर आता है, सर 2 पे आता है एंटेलियन। यह रेत में छिपा एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने के लिए डेथ ट्रैप बनाता है। एंटेलियन नामक यह जीव रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह जीव रेत में गड्ढा खोदकर शिकार के लिए डेथ ट्रैप तैयार करता है, जो 45 डिग्री के एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे एंटेलियन छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इस डेथ ट्रैप में चींटी और छोटे रेंगने वाले जीव गिर जाते हैं और आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। दरअसल जब कोई जीव डेथ ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह रेत में फिसल जाता है और बाहर ही नहीं निकल पाता। वही रेत के अंदर छिपकर बैठा एंटेलियन रेत को इस तरह से उछालता है कि बाहर निकलना जीव के लिए मुश्किल हो जाता है और वह वापस गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही शिकार एंटेलियन के करीब आता है, वह उसे डंक मार देता है। एंटेलियन इतना क्रूर और हमलावर होता है तो कभी कभी अपने शिकार को पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर पटक देता है, ताकि वह जल्दी मर जाए और वह उसे खा सके। नंबर 4 पे आता है सियोथ्रा। मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारी होती है, इस बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली सियोथ्रा अलग अलग तरीके से अपना शिकार के लिए जानी जाती है। सियोथ्रा को सुपूर स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, जो शिकार करने से पहले अपने शरीर को रेत के जाल में पूरी तरह से ढक लेती है। मकड़ी उस जगह पर छिपती है जहाँ चींटियों की आया जाई हो, कि वही उसका भोजन बनती है। सुपूर स्पाइडर रेत के कणों के लिए गहरी नाली तैयार कर लेती है और उसमें छुप जाती है, जबकि ऊपरी हिस्सों में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। वह रेत के अंदर से तेज तेज सांस लेती है ताकि रेत हिल सके और शिकारी को ऐसा लगे कि वह छोटे जीव मौजूद है, इसे वह खा सकता है। जैसे ही चींटियां भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल में के पास आती है और उसमें फंस जाती है, इसके बाद स्पूट स्पाइडर बिजली की तेजी से अपने शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत के नीचे खींच लेती है। नंबर 5 पे आता है स्पाइडर वास्प। यह तो आप सभी जानते हैं कि सभी की फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसी तरह एनिमल किंगडम में भी एक जीव है दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जिस तरह मकड़ी छोटे जीवों का शिकार कर जीवित रहती है, उसी तरह स्पाइडर वास्प उनका शिकार करके जिंदा रहती है। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए अक्सर गोल्डन स्पाइडर रेत के अंदर अपना घर बनाता है। वह 50 सेंटीमीटर गहरा खड्डा खोदता है ताकि अंदर का तापमान ठंडा रह सके। लेकिन इस स्पाइडर को स्पाइडर वास्प से सबसे ज्यादा खतरा होता है और जो उसे भयानक मौत देता है। स्पाइडर वास्प रेत के अंदर बिल में छुपे स्पाइडर को ढूंढने के लिए जान लगा देता है। जैसे ही उन्हें स्पाइडर के बिल का अंदेशा होता है, वह तुरंत रेत को खोदने शुरू कर देता है। स्पाइडर अपने शरीर के वजन से 80,000 गुना तेजी से रेत को खोद सकता है और ऐसा करते हुए वह बहुत तेजी से गोल्डन स्पाइडर तक पहुंच जाता है। अगर एक बार स्पाइडर वास्प ने गोल्डन स्पाइडर पर पकड़ बना ली तो उसे हमले के लिए बच पाना नामुमकिन हो जाता है। वास्प के डंक से स्पाइडर तुरंत प्रोमलाइज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है।